वेलकम टू सजीर भाई गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है स्प्लेंडर सुपर स्प्लेंडर BS6 वाला बाइक, और इस बाइक में माइलेज बहुत ख़राब आ रहा है और ट्यूनिंग भी ठीक नहीं है और बाइक यहीं से पर स्टार्ट गिर जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, कस्टमर बहुत ही एडिटिंग हो रहा है कि बाइक में क्या दिक्कत हुआ कि सजीर भाई बाइक को सर्विसिंग कर दो। तो मेरे पास आया है, पूरा बाइक को मैंने सर्विसिंग कर लिया है। अब रीजन है बाइक का जो RPM है सेटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा इसका रॉकर को खोल के देखा, जो रॉकर अगर टाइट रहता है तो हम लोग को टाइट नहीं चलेगा, ढीला करना पड़ेगा। तो चलिए कैसे रॉकर हम लोग एडजस्ट करें पहले वही प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ, उसके बाद ट्यूनिंग हम कैसे इसका बाइक को मिलाए, माइलेज कैसे सेटिंग करें सब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो में जुड़ा रहिए। तो मैंने टाइमिंग को जैसे कि टॉप पर किया पिस्टन को, और ये जो हम लोग का 8mm का नॉट है इसको सीधा रखने से हम लोग का टाइमिंग एकदम परफेक्ट बना है। अब मेरे हिसाब से रॉकर हम लोग चेकअप करेंगे, तो रॉकर हम लोग ऊपर नीचे करके देखेंगे। तो रॉकर हम लोग का थोड़ा ठीक है बट थोड़ा ढीला ज़्यादा लग रहा है, इससे क्या होगा साउंड हम लोग का फिर करेगा, तो थोड़ा हम लोग साउंड को मेंटेन्स करेंगे। तो चलो वीडियो में जुड़ा रहिए, आप लोगों को बताएंगे कैसे रॉकर एडजस्ट करें। तो एडजस्ट करते हैं, चलिए रॉकर को एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आहिस्ते आहिस्ते करो, हम लोग ले जाएंगे, नहीं जा रहा है नहीं ले जाएंगे, ज़बरदस्ती नहीं ले जाएंगे। रॉकर ज़बरदस्ती टाइट करेंगे तो रॉकर टाइट हो जाएगा और इसमें ट्यूनिंग हम लोग का बेहतर से बेहतर नहीं आएगा। चलो बस ठीक है, ऊपर नीचे ठीक है, अब इस वाले को देखेंगे। बस डन ठीक है, बस चलो ओवर लगा देता हूँ। तो सो गाइस अभी हम लोग बाइक में RPM सेटिंग करेंगे। तो कैसे, जैसे कि यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 8mm का प्लास्टिक का नॉट है, ठीक है, यहाँ इस जगह पर अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसी जगह पर देखिए ठीक है। और इस जगह पर एलिंग की 7 नंबर का नॉट है और एलिंग की 2.5 नंबर का। तो चलिए बाइक को स्टार्ट करता हूँ, ऑन करो। यानी कि RPM हम लोग का बहुत ही हाई है। तो चलो सबसे पहले स्टेप इस नॉट को हम लोग टाइट करेंगे गाइस। यानी कि अपने हिसाब से लाने के बाद इस नॉट को टाइट करने के बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टाइट रखने का कोशिश करो इस नॉट को, ठीक है, तभी आप लोगों का माइलेज ट्यूनिंग बेहतर से बेहतर आएगा और हम लोगों का RPM जो है कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टाइट कर दिया है, और टाइट नहीं देंगे फिर हम लोगों का ट्यूनिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इस जगह पर इस नॉट को हम लोग ढीला करेंगे। बस 7mm का नॉट को हम लोग फाइनल जाम कर देंगे। चलो एलिंकी लगाने के बाद बस अब RPM हम लोग देखते हैं। अब ये RPM भी ठीक है, देखिए एकदम परफेक्ट है। यानी कि माइलेज भी सही हो गया है और RPM भी सही हो गया है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नॉट है, इस नॉट के बारे में जो हम बता रहे हैं आपको, इसको थोड़ा आप लोग जैसे कि
टाइट करने का, फुल टाइट करने के बाद एक पैच या डेढ़ पैच ढीला रखने का कोशिश कीजिए। चलिए एक बार और स्टार्ट करता हूँ, बस एकदम आरपीएम हम लोग लिमिट पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉट को फोकस कीजिए। इसको थोड़ा जैसे कि टाइट अगर ज़्यादा होता है तो स्टार्ट हर किस हर हाल में नहीं रुकेगा, स्टार्ट गिर जाएगा। तो आप लोगों को ढीला कर करके देखना है, हल्का हल्का करके जो कहां पर हम लोग का स्टार्ट नहीं गिर रहा है उसी जगह पे आप लोगों को रखना है, और लास्ट में ये जो नॉट है इसको आप लोगों को एडजस्ट कर लेना। तो गाइस आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिला सुपर स्प्लेंडर DS6 बाइक में हम लोग ट्यूनिंग कैसे करें। तो खास करके सुपर स्प्लेंडर बाइक में सिस्टम दिया गया था इसीलिए वीडियो बनाया था। कुछ कुछ बाइक में आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, ऑटो सिस्टम है, बट इस बाइक का जो सिस्टम है हम लोग कर सकते हैं हीरो बाइक में, स्प्लेंडर बाइक में, हीरो कंपनी का कुछ बाइक में किए, जैसे कि सुपर स्प्लेंडर और स्प्लेंडर एक्सटच, कुछ कुछ बाइक में आप लोगों को इस तरह का नॉट देखने को मिलेगा और यहाँ हम लोग काम कर सकते हैं। तो गाइस यही था वीडियो, तो यहाँ से हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।